आज तो बकरा ईद है। पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं गाय काटूंगा, फिर उसके बाद सुबह सुबह मैं कलेजी और कुर्ते खाऊंगा, और दोपहर को बिरयानी, और रात को पाए और निहारी खाऊंगा। चल यार चलते हैं जल्दी से। Two hours later. चल यार अब्बू से पूछता हूँ कि कसाई का क्या बना। अम्मी, अब्बू, कसाई नहीं आया अभी तक। हाँ बेटा, गाय कट भी गई और सब में बट भी गई। Oh no! तुम्हें अब होश आ रहा है और देर देर से उठकर आओ। अबे यार मिस कर दिया यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या यार, जाके सोया हो वापिस। हाँ बेटा, सारा दिन लेटे रहने का मूड है तुम्हारा। क्यों पापा, क्या हुआ? चलो शाबाश उठो और गोश्त काट कराओ। शाबाश। अरे पापा, अभी अभी तो मैंने गाय कटवाई है, आप छोटे को भेज दें। बेटा आप ही जाओगे, समझे? नहीं। अरे पापा, मैं छोटे को कह देता हूँ, वो दे आएगा गोश्त, आप फिक्र ना करें। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो उठो और निकलो यहाँ से। शाबाश। दीदी अम्मा जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। बेटा अली, ओह माय गॉड, पूरी की पूरी काऊ कटी हुई है। हाथ लगवाओ जरा, गोश्त फ्रिज में रखो। इतना सारा गंद क्यों फैलाया हुआ है? आप सब लोग कैसे काऊ के अंदर वाली चीजों को टच कर लेते हो? You so disgusting! देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये गोल गोल क्या है? You so smelly! ये माँ जरा सुनती हो? हाँ। ये बच्चा किसका है? अपना ही है। ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है? क्या हो गया इसको? मेरा बच्चा। बेटा अली जरा आओ, ये जरा गोश्त बराबर में तो दे आओ। Oh no! ये लो। हाँ बेटा दिया है। अच्छा जरा एक और काम कर दो यार। Hey! जरा जन्नुम का भी चक्कर लगा कर आ जाओ, तुम्हारी खाला रहती है ना, उनको भी दिया यार, लेकिन हाथ में देना उनके। हाँ बेटा दे। अच्छा जरा ये वाला भी लो, और ये दो गली छोड़ के गफूर भाई है ना, उनको दे देना। अरे बेटा क्या हुआ, अभी से मान नहीं जा रहे हो? चलो एक काम करो, ये लो, जन्नत में जा ही रहे हो तो ये गोश्त अपनी दादी को भी दे देना। अम्मी, आपको पता है कि अभी अभी पापा ने वो सामने वाली आंटी को ना 2 किलो गोश्त भेजा है, वो भी रान के गोश्त के साथ। वो आपको पता है कि अम्मी ने ना गाय के चारों पाए जो है ना, अपनी बहन को भेज दिए। अम्मी, अब्बू ने गाय की गर्दन ही पूरी की पूरी भिजवा दी चाची को घर पे। नहीं करो। हाँ पूछो जाके उनको, अभी लेती हूँ खबर उनकी। अब्बू आपको पता है कि अम्मी ने ना गाय की पूरी खाल जो है नाना के घर पे भिजवा दी है। गाय की खाल? हाँ, और मेन बात तो ये है कि इस घर के कागजात भी भिजवा दिए हैं। ये घर पे किया? आपको पता है अब्बू ने पूरी की पूरी गाय जो है ना दादा के घर पे भिजवा दी है, और आपके देवर है ना वो भी भिजवा दिए। मेरे देवर भी? हाँ,